अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? जल्दी से आओ मेरे बेटा, जल्दी आओ, नाश्ता ले आए मेरे बेटा। ना मुझे तो क्या लाए, अंडे और डबल रोटी। बहन को भी लेके आओ अंदर। ये लो आप ले लो थोड़ी सी, ये चलो आप, आपने एक नवाला लेना है ना डबल रोटी का, आपको दिए ना। चलो मैं आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ मेरे बेटा। हाँ सही है, रखो इसको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और हैरियत से होंगे। अल्लाह में इसी तरह आपको हैरियत से रखे, तंदुरुस्त रखे। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं नाश्ता, और मैंने जैसे अरसलान से मंगवाया नाश्ता, और उस बच्चे नाश्ता जल्दी से करेंगे उसके बाद। तो चलिए हम बना रहे हैं नाश्ता। अच्छा डबल रोटी मैं खुली मंगवाती हूँ क्योंकि बच्चों ने खानी होती है, और जाहिर सी बात है सुबह के टाइम मैं कम भी मंगवाती हूँ। तो जी मम पीना लाओ, बहन को मम दो। चले हम साथ साथ बच्चों के लिए। अच्छा मैं एक अंडा नमक मिर्च वाला बनाऊंगी और दोनों बच्चों को दूंगी, और ये मैं चाय बना रही हूँ, दूध इसी में डाल देती हूँ। अच्छा पत्ती मैं ये वाली डाल रही हूँ। अच्छा ये पत्ती वैसे मेरी ख़त्म हो गई थी बहुत, तो मैंने ये वाली मंगवाई है पत्ती। ये मेरा 100 का पैकेट आता है, तो ये मैंने दुकान से मंगवाई है, मैंने इसके अंदर डाल ली। मैंने बोला कि चले ये वाली, वैसे तो मेरी खुली पत्ती आ रही थी, लेकिन मैंने बोला चले ये वाली पत्ती अब मैंने मंगवाई है। अब रोज़ाना क्या 10-10 का पैकेट मंगवाना, अब 100 का मैंने पैकेट मंगवाया तो मैंने इसी के अंदर डाल ली है। लेकिन ये पत्ती अच्छी होती है तो हम यही इस्तेमाल करते हैं। ये चलिए अभी हम नाश्ता बनाए साथ साथ। चलिए अभी हम जल्दी से ना, चलिए नाश्ता, बच्चों ने धो लिया मुँह हाथ, सुबह सुबह नाश्ता करेंगे फिर हम अपना काम करेंगे, क्योंकि आज हमने सारा दिन बहुत ज़्यादा काम करना है। आज हमारा काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास 2 दिन रह गए हैं, और जैसे कि 2 दिन बाद शादी है, और शादी की बस आज 2 दिन में हमने करनी है तैयारी। तो बस जल्दी जल्दी सब बना रहे हैं नाश्ता, और जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं। जल्दी जल्दी हम नाश्ता बना रहे हैं, बच्चों को कराते हैं। अच्छा हस्बैंड मेरे बस अभी पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं बस कहाँ पहुंच गया हूँ, लाडी पहुंच गया। हाँ बस हस्बैंड मेरे लाडी पहुंच गए हैं और बस आ रहे हैं अभी। अभी उनकी कॉल भी आई है, कह रहे मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा, तो बस आप मैं ठहरा के नाश्ता करूँगा तो आप मेरे लिए नाश्ता बना देना। मैंने कहा चले आप आ जाए, फिर मैं आपके लिए पराठा भी बना दूँगी, मैं जल्दी से बच्चों को नाश्ता करा दूँ। तो बस हम जल्दी से बच्चों को नाश्ता कराएँगे। हस्बैंड आएंगे फिर उनके लिए नाश्ता बनाएंगे हम जल्दी जल्दी से। चलो अच्छा बात है ना, अच्छी बात है मेरे बेटा। चलो आप जाओ अंदर नाश्ता बन गया। ये ऐसा अंदर है ना ये। हाँ चलो मैं बना रही हूँ आपके लिए, चलो मेरा बेटा जल्दी से ना। चलिए भी नाश्ता हमारा जल्दी से बन जाए, हम बच्चों को दें। सुबह सुबह देखे सब्जी वाले की भी आवाज आ गई, सुबह सुबह टूटे गोश्त हमारे, सुबह सुबह सब्जी वाले भी आ जाते हैं, और देखे आज क्या बनाते हैं घर में, क्या पकते हैं। आ जाओ बच्चों नाश्ता करो जल्दी से, जल्दी से करो मेरे बेटा, फिर मामा जल्दी से काम करेगी। मामा को आपको पता है काम बहुत ज्यादा है, ये 2 दिन के अंदर हमने काम करने हैं। अन्ना अन्ना लाइबा क्या खाएगी? अंडा। चलो भाई ये मैंने लाइबा का बनाया है क्योंकि वो भाई को नाश्ता नहीं करने देगी,
मैंने बोला लाइबा का उसका लैदा अंडा बना लूँ। जब थोड़ी कच्ची है इसको पका के, क्योंकि सादा अंडा खाएगी, नाश्ता बाद में करेगी। अंडा दे रही हूँ मेरा बेटा, तो इसलिए अंडा दे रही हूँ, मेरी जान दे रही हूँ आपको अंडा। जल्दी जल्दी अंडा खाओगी फिर बाद में नाश्ता करेगी मेरी बेटी। तो बस इसको अंडा पसंद है, ये सुबह सुबह अंडा खा लेती है और मांगती भी अंडा मांगती है सुबह सुबह उठ के कि मुझे अंडा दो सबसे पहले। तो बस इसको पहले देना पड़ता है भाई, ये भाइयों से भी पहले उठ के मांगती है नाश्ता। तो बस इसको थोड़ा ये पका के देना पड़ता है कि खाती ऐसे है। तो बस ये पहले अंडा खाएगी, थोड़ा थोड़ा तोड़ देती हूँ इसको अंडा ताकि इसको आसानी हो जाए अंडा खाने में। जाओ जल्दी से भैया के पास लेके चलो, ध्यान से। आपने कर लिया नाश्ता मेरे बेटा? चलो बहन को ये खिलाओ, अंडा खिलाओ, जल्दी से खिलाओ। गरम है भी। गरम है, चलो फूंक मारो ना, फूंक मार के खिलाओ मेरे बेटा, जल्दी से करो नाश्ता। चले भाई हम किचन में आ गए हैं और अब हम अपना नाश्ता बनाते हैं। अच्छा मैं अभी नाश्ता मेरा नहीं दिल कर रहा, मैं चाय लेती हूँ। अच्छा ये स्लाइस दो है लाइबा का और ये मेरे हैं दो स्लाइस। चले तो बाकी हम ये साइड पे करते हैं सब कुछ और ये भी साइड पे करते हैं। चले चाय हम डालें बच्चों के लिए। चलो हम अपनी चाय लो, ध्यान से चाय पियो, गिरा नहीं देना, ऊपर करो चाय गर्म, मैं चाय लाई हूँ आपके लिए, ध्यान से पियो चाय मेरा बेटा। चलो आप भी ले लो, मैं आपकी भी लेके आ रही हूँ। तो बस बच्चों को चाय दे दी है, लाइबा को भी चाय देने लगी हूँ, क्योंकि लाइबा ने जैसे उसने देखा कि मैंने भाइयों को चाय दी है तो उसने बोला मम्मा जी मुझे भी चाय दें, तो बस उसको भी चाय दूंगी अभी जल्दी जल्दी, वो भी पिएगी। अच्छा चाय बहुत गर्म है, इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल, दूध मेरा ख़त्म हो गया है। चलो मैं देती हूँ उसको ठंडी करके। लेट आई मौज ना शतरे जाए, देखिए मेरी बेटी खा के फिर बर्तन भी लाती है अंदर किचन में और कहती है मम्मा जी पेट पेट, यानी प्लेट को बोलती है पेट। ये मैं इसके अंदर ठंडी कर लूँ ना, मैंने बोला आपको ठंडी करके दे दूँ बस। चले जी हमारे नाश्ता तो हो गया और चाय मैं अपनी ले आई हूँ। अच्छा बेड शीट मेरे बच्चों ने सही कर दी है, क्योंकि उन्होंने बोला मम्मा जी हम आप नाश्ता बनाए और हम बेड शीट सही कर लेते हैं जी। तो बस बेड शीट उन्होंने सही कर दिया है, बस मैं अपनी चाय पीऊँगी और वो मेरा फिर वो किचन का काम होगा। तो बच्चों ने इधर की भी कर दिया है, बस बच्चों ने सही कर दिया, हल्की फुल्की सी कर दी है, ये देखें बच्चों ने की है। तो बस सफाई हो जाती है इसी तरह, बच्चे हमारे कर देते हैं बेड शीट को साफ, बाकी जो नीचे की सफाई है वो मैं खुद करूँगी। तो बस अभी हमारा नाश्ता हो गया, सब कुछ हो गया है, तो बस अभी हम नाश्ता कर लिया हमने और बस अब किचन की सफाई मैं करूँगी और बर्तन धोऊँगी और मैं बाद में झाड़ू पोछा लगाऊँगी। तो आज मुझे काम भी बहुत है, क्योंकि आज हमने काम बहुत करने हैं। जैसे कि मैंने बताया दो दिन में हमने शादी की भी तैयारी करनी है, शादी हमारी आ गई है तो बस इसी दो दिन के अंदर हमने तैयारी भी करनी है जी मेरा बेटा। मैं डाल के देती, अभी आपने चाय पी है ना, बस मेरी चाय ख़राब, चले चले बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। चले चले भाई हमने अब नाश्ता हो गया, अब मैं अपने यहाँ किचन में काम करूँगी और बस मैं फिर अपना चाय पी के जल्दी से मैं अपनी सफाई करूँगी और बस आप मेरे साथ ही रहिएगा और मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा और हमें अपनी दुआ में लाजमी शामिल रखिएगा और सबसे पहले मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखिए मेरी वीडियो और मुझे लाइक भी करें। और अगर आप मुझसे कोई पूछना चाहते हैं कॉमेंट तो मुझे कॉमेंट करके पूछिए, तो ज़रूर मुझे कमेंट करिए और मुझे पूछिए मेरे से, यानी तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में शामिल रखिएगा, अल्लाह में आपको खुश रखे, आबाद रखे, हर दुख परेशानियों से दूर रखे और तुम तंदुरुस्ती दे, सबसे ज़रूरी बात तंदुरुस्ती होगी इंसान के लिए तो सब कुछ होगा। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, आप भी बोल दो बाय बाय। भी कितना गंदा, और अभी मैं लाइबा का मुंह भी साफ करूंगी। तो बस ये काम छोटे छोटे जो होते हैं बच्चों के साथ। चले अल्लाह हाफिज़।